हाय, आई एम जैद दरबार एंड आप सिद्ध के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। गौहर, तुम अभी वीडियोस करती हो तो फट जाता है, जैसे कहते हैं ना लिंगों में, और फड़िया वीडियो भाई, फड़िया। यू आर डूइंग सो मच टुगेदर, पर अगर एक स्ट्रगलिंग मोमेंट तुम अपनी जिंदगी के बारे में बोलो प्रोफेशनली, जब तुम्हें लगा आज 2022 में मैं बैठी हूँ यहाँ पे, पर उस वक्त लग रहा था नहीं हो रहा, होने वाला है ये, वो कौन सा मोमेंट था? Honestly, Siddharth, I swear to you, I've never felt like I have to give up, या ये मुझसे अब नहीं हो रहा, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? Never. I was told कि तुम कभी एक्ट्रेस ही नहीं बनोगे। आई वॉज टोल्ड के तुम्हें क्या लगता है कि सुभाष घाई तुम्हारे लिए ऑफिस का दरवाजा खोल के खड़ा बैठा हुआ है। बोला ये क्या? एब्सोल्युटली। एंड पीपल हु आर अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, एंड डिस्करेजमेंट तो इतनी बार और इतने लोगों से मिली है, बट नॉट फॉर अ सिंगल सेकेंड डिड आई बिलीव दैट आई विल नॉट डू इट या आई कैन नॉट डू इट। आई नेवर बिलीव दैट। इवन टूडे आज मुझसे पूछोगे गौहर, डू यू बिलीव दैट यू कैन डू अ हॉलीवुड फिल्म, आई विल से यस। आज मुझे बोलोगे डू यू थिंक यू विल बी, यू नो, पीपल टोल्ड मी, अरे यार लड़कियों को ना होस्ट नहीं लेते, लड़के ही चलते हैं होस्ट। ये कौन बेवकूफ, तुमको ये सब कहां मिलते रहते हैं? दिस इज अ नॉर्म, दिस इज अ नॉर्म ऑफ इफ यू नोटिस 90% ऑफ टीवी होस्ट आर ओनली मेन। दैट्स आल्सो ट्रू, आई थिंक भारती, लीविंग भारती असाइड, बाकी सब बॉयज ही हैं। या सो देयर इज अ थिंग दैट वेयर People put you into brackets. नहीं नहीं, अगर तुमने गाने कर दिए तो तुम आइटम गर्ल बुलाई जाओगे। नहीं नहीं, अगर तुम रणबीर सिंह के साथ ऑपोजिट नहीं हो ना तो तुम एक्ट्रेस नहीं कहलाई जाओगे। तुम और वो भी ऐसे सब्जेक्ट पे, तो उसमें लग रहा था कि भैया ये आर्ट फिल्म है, उस जमाने में आर्ट यूज करते हैं कम वक्त, तो एग्जैक्टली आर्ट वाट, हर चीज आर्ट है यार। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, तो इफ योर इंस्टिंक्ट इज राइट ना, आई बिलीव आई कैन डू इट ऑल। आई होस्टेड इंडियाज रोस्टर एज अ सोलो फीमेल होस्ट, एंड इंशाल्लाह दिस ईयर आई एम hosting again, and that too on a very big platform. So I'm very happy that मैं बोलती हूँ कि आप बोलते जाओ कि मैं क्या नहीं कर सकती, और ऊपर वाला दिखाते जाएगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे लग रहा है ये बहुत ही rebellious thought है। एक किक होता है ना अंदर कि हाँ। कोई बोलता है, जैसे मुझे स्कूल में किसी ने मुझे CH बुलाया था, ऐसे ऐसे ऐसे, because that person said that I can only talk, I can't do sports, and I went and conquered every spot possible at that time. Nice. मुझे लग रहा है तुमको भी इसमें एक किक आता है ना, जब कोई बोले नहीं कर पाओगी, and you feel like नहीं दिखाऊंगी, नहीं नहीं मुझे किसी को कुछ दिखाना ही नहीं है, घंटा फर्क पड़ता है मुझे, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। इनफैक्ट आई गेट हैप्पी फॉर पीपल, जब उनके पास काम आ रहा है या कोई अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है, मुझे खुशी होती है। मुझे क्या है, जब भी मैं गौहर से मिलती हूँ, और मेरे भाई भी मिलते हैं, हम लोग बहुत प्यार करते हैं, आई लव ऋषि, यू नो हमारी फैमिली, आई मीन मी वंस आई वुड बी अडोर हर, एंड आई अडोर यू टू भाई, तुम मेरे भोलू हो हर लाइफ के लिए, याद रखना। बट परसेप्शन होता था ये गुस्सेल है, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारी रिएक्शन स्ट्रांग है, बड़े फटाक आते हैं कि माने पड़ता है, आदमी लगता है कि यार गुस्सेल है, राइट? मिलते हो उसको तो लगता है कि यार इतना, लाइक नाउ आई एम फीलिंग सो काम एंड रिलैक्स्ड नेक्स्ट टू हर। ये गुस्सेल वाला गौर कहां से आता है, कहां से आता है? आई डोंट, आई थिंक, व्हाई डू यू रिएक्ट सो स्ट्रांग? आई वाज जस्ट गोना से, आई थिंक योर वॉइस एंड योर आईज, या आई थिंक कोई भी चीज अगर आप कॉन्फिडेंस से बोले या उतनी श्योरिटी से बोले ना, लोगों को लगता है कि अरे ये तो मतलब इसके अलावा और कोई ओपिनियन हो ही नहीं सकता, बट ऐसा नहीं है। आई एम वेरी ओपन टू ओपिनियंस, आई एम वेरी ओपन टू डिस्कशन, यस आई विल कीप मेकिंग माय पॉइंट because I love making my point, yeah. But I'm not an angry person. किसी के ऊपर खामखा ऐसी कुछ नहीं बोल दूंगी, आई नेवर से, बट बिकॉज ऑफ माई पर्सनैलिटी, बिकॉज ऑफ माई वॉइस, आई गेस आई एम अ लिटिल इंटिमिडेटिंग। तुम इंटरमेट होते हो उनसे? नॉट सिंगल पर्सन इन द वर्ल्ड हु नेवर गॉट इन बिगिनिंग में, अभी नहीं, अभी छोड़ो, बिगिनिंग में नेवर, नहीं नेवर, नो माने रियली रियली नेवर, ही हैड द कॉन्फिडेंस टू से Listen, today you have to meet me. You cannot go to... Have to, huh? Yeah, have to. Bhai, ek aur mariye. And confidently he came. He's like, I'll pick you up. I said, no, I'll come in my car. He's like, but why? I said, no, I'm meeting for the first time. I'll be in my car. He's like, okay. He brought his car next to my car. He rolled the window down. I saw his smile. And I was like, smile toh badi cute hai. Kaun hai ye banda?
And then I met him and he was just so confident that I felt at ease. I first time I didn't feel like a guy was trying to impress me and literally chappal, a track pant and a normal t-shirt I came out. Yeah. Because lockdown mein nobody was getting any ready for anything. Jee. So I thought ke chalo niche utarne gaadi mein hi hai. So I'll just wear a track. But he had really short hair and I found that so cute. I was like, wow, he's so clean and neat. Cheek mere side pe ek baar pull karo ye. Jab bhi mujhe kuch baat achhi lagti hai iske bare pull karo. Aise re. Haan. ये क्या तुम्हें ये ऐसे पैम्पर करती रहती है? हाँ, ये उनका एक है, एक चीज़ और फिंगर विल कम लाइक दैट ऑन माय लिप्स एंड दे डोंट गो आउट इट्स जस्ट देयर आई डोंट नो आई फील कनेक्टेड दैट आई शो यू शो मी सो इफ आई एम टॉकिंग टू यू हेलो भाई कैसे हो तुम क्या हो रहा है करो ना करो कैसे हो अजय जानू क्या कर रहा तो उसकी पपी दो वहां पे इनको नहीं पर ये दो चीजें होती है या तो बोल रही कि मुंह बंद करो नहीं बस मेरा प्यार दिखाना है मुझे आपको ये and I don't know where that comes from I don't know. It just comes क्या like I'll be talking to him or talking to somebody else and I'll just be like this और you have to kiss it like this yeah my god बहुत सिचुएशन देखे ये नहीं देखा मैंने कभी लाइफ में आप मेरी वाली तो वॉइस है मैं बता नहीं सकता he also has a quirk but I cannot tell you that You naughty boy. मेरी तो मतलब ऐसी नहीं है but हाँ it's kind of weird so. No, there are two of his, not just one. One is still not that weird. One is really weird. One is that he'll just do this. Yeah, my hand is inside of the boy. Like here. Yeah. Suddenly meet you. Suddenly yeah. I'll be walking in front of him, entering the lift, and he'll just go. मैंने हमेशा सबके खूबसूरती देखी सब कुछ इतने खूबसूरत बगल किसी के नहीं देखे. इसलिए तुम्हारा गाना है अभी सच सच बोल वो तुम्हारा फेवरेट गाना मेरे अगल बगल वही है हाँ वो कौन सी बात है जिससे तुम इमोशनली कनेक्टेड फील करते हो गौहर के साथ सबसे पहली तो आई थिंक हर थॉट्स फॉर फैमिली हमेशा हमेशा सबके बारे में एक सोचना अगर इनकी मॉम के बारे में सोच रहे तो मेरी मॉम के बारे में डैड के बारे में तो इवन माय फादर ब्रदर सिस्टर एवरीबॉडी सो इट डजंट एंड टिल देयर इट लिटरली गोज टिल अगर जैद के दोस्त भी है तो उनके लिए भी सो हर थिंकिंग थॉट्स दे एक्चुअली गॉट मी सो क्लोज टू हर बिकॉज इवन आई थिंक दैट वे तो आई थिंक मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है बिकॉज लोग कोई दूसरे के बारे में थॉट्स लाना एक्सेप्ट अपनी फैमिली के अलावा is not easy I believe matlab wo bhi consistency ke sath because generally hum sochte to hai family ke bare mein but sabhi ke bare mein itna nahi soch pate but she does a lot oh ye wala AWWW wala moment hai yaar AWW dot 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 she thinks a lot about everybody ye na yeah everybody I'm telling you na my dog se leke everybody yeah इतना कंपैशन इसलिए आया है बिकॉज वी ऑल बीन थ्रू आवर स्ट्रिंग ऑफ रिलेशनशिप्स हम लोग सबके साथ होता है वी लूज सम पीपल वी हैव हार्ट ब्रेक्स क्या ऑल दोज ब्रेकअप्स दैट वी ऑल अंडरगो इन लाइफ हैज मेड यू मोर कंपैशनेट टुवर्ड्स द वन दैट फाइनली इज द वन फॉर मी इट डिड वर्क लाइक दैट या फॉर मी इट डिड फॉर यू आई डोंट नो नो नॉट फॉर मी एक्चुअली एनी फेल्ड रिलेशनशिप टॉट मी व्हाट नॉट टू गो फॉर It didn't make me any more appreciative or any more whatever, but it just gave me signals of, okay, this, nah, I can't do with this. This, I will not put up with this. This, I will not take this. So those things I kind of knew what I can't deal with. But compassion actually for me comes from my mother, my, you know, what I've seen as a child. I don't know. I am just that, you know, har ek insaan ka ek mold hota hai. Mahol has been like that of your house. Also, sabka trait alag hota hai na. Main kuch zyada hi, people think main kuch zyada hi soft hoon. Like, mummy will say, abhi utha ke billi ghar pe mat le gaya na, usko mat le gaya na. I don't know. I'm just like that. If I see something, I'll start crying. So, I don't know. Just that. You really like that? You start crying? Yeah. She can cry any time. Yeah. Tumne kitni baar rulaya hai, bhai? Nee, never. No. Not nee. Like that, but I'm just. ज़्यादा नहीं. नहीं पर तुम मुझे बताओ. Like I saw once a rickshaw guy getting slapped. I started crying in the middle of the road.
stop it. My brother's like, वो पुराने पिक्चरों के में होता था ना, इफ समवन एल्स किसी ने मर्डर किया और कोई और चिल्लाया तो वो उसका मर्डर हो जाता था. सो माय ब्रदर इज से चुप कर चिल्ला बोले सेड स्टॉप इट सेव हिम सेव हिम एंड माय ब्रदर लाइक गेट आउट ऑफ हियर cuz I can't take it. और हमको यहां लगता है कि गौहर इतनी निडर है कि कभी रोती नहीं है ये. नहीं, बहुत रोते हैं. बहुत. हां हां. तुम जैद एक कमेंट तुमने कहा था कि बिकॉज ऑफ योर फेल्ड रिलेशनशिप्स यू वैल्यू गौहर मोर. या एक्सप्लेन दैट. ना हम हमेशा ये सोचते कि नहीं इससे भी शायद ऐसे होता है रिलेशनशिप में, या बेटर होता है, या इससे भी बुरा होता है. यू डोंट नो दैट टिल द टाइम वेयर यू एक्सपीरियंस एवरीथिंग. तो आई हैव सीन ऑल टाइप लाइक अच्छा सभी अच्छे थे बट यू नो ऑल डिफरेंट एक्सपीरियंसेस आई हैड. But with Gohar, I always believe because she's exactly like what the way I work. Positive. Hamesha har cheez mein I'm positive. And she's also like that. Tumhare ek perception tha dimag mein of the ideal woman aur ye baith gayi usme. Ye baith gaye usme. Kya baat hai? Kya baat hai? Because I remember once he had told me ke, how are you like this? Like I remember beginning mein he had told me ke, Gohar aaj कल के ज़माने में अगर कोई बोलेगा कि यू नो यू डोंट ड्रिंक यू डोंट स्मोक यू ओनली गो फॉर वर्क यू कम बैक होम एंड यू आर ओनली अबाउट फैमिली, पीपल विल थिंक कोई मजाक कर रहा है. ओनली अबाउट फैमिली बहुत कम लोग आई थिंक है अभी. ओनली अबाउट फैमिली एंड वर्क. तो लुकिंग एट गौहर ऐसे बाहर से अगर आप देखोगे तो इट डजंट लुक लाइक दैट. और जब मैं व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर व्हेन आई स्टार्टेड नोइंग एवरीथिंग फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट हर आई मीन व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर शी वाज in Pune and taking care of her father who lived in Pune. So that's what I was thinking because in my head it's Gohar Khan also. Going to Pune every in lockdown, aap samajh rahe ho, akele jana, koi driver nahi, kuch nahi, akele jana, phir wahan pe bhi akele hi rehna dad ke saath, nobody is there with her. So all that hit me ke log to bhej sakte hai na yahan se bhi, jab aapke paas cheeze aa jati hai ऊपर वाले ने थोड़ी बहुत चीज़ें दे देते हैं तो वॉट यू डू इज यू टेन टू टेक पीपल विथ यू एंड सेंड देम. बट शी डिड बाय हर ओन सेल्फ. मैंने देखा था वो एक लकड़े का एक वो टेबल था. हाँ. 10 days आई यूज्ड टू टॉक टू हर ऑन अ वीडियो कॉल. 10 days शी वॉज कंटिन्यूसली सिटिंग देयर बिकॉज दैट वॉज अ हॉस्पिटल. 10 days. सो दैट्स वॉट हिट मी. दैट्स वॉट आई वॉज ऑल सेट. ओके. या शी इज रिमेंबरिंग हर डैड. Yeah, Papa. I'm fine. Pakka? Yeah, I'm absolutely fine. She's always with, whenever we talk about Papa, she goes. Why are you crying? I'm crying or? Yeah. He doesn't even realize when he cries. Ab tum dono mujhe rulane wale ho yaar. You know, best part about Zaid is, he doesn't realize when he's crying. Okay, I get it then. Yeah, no, don't worry, I'm fine. So yes, अबला नारी मुझे उनमें दिख गई थी. अबला नारी ने अबला नारी सॉरी स्ट्रॉन्ग क्या थी. अरे आप जैद की हिंदी ना. मेरी हिंदी बहुत माशाल्लाह है. सो यस सो आई सॉ द परफेक्ट गर्ल. या विद अ ब्यूटीफुल इम्परफेक्शंस एज वेल. या